बहुत ही मज़े का कमेंट आया हुआ है मुझे, भाई बहुत महंगा वर्क वीज़ा दे रहे हैं आप, वीज़ा प्राइस पे एक वीडियो बना दे काइंडली और चार्जेस एक्सप्लेन कर दें। 2500 से 3000 यूरो वीज़ा जो कॉस्ट होती है, जो कि एजेंट्स चार्ज करते हैं, 2500 से 3000 यूरो। अब ये मैं आपको ओपनली चीज़ बताऊं कि एग्जैक्ट वीज़ा की प्राइस क्या होती है। जो वीज़ा होता है रेस्टोरेंट का, वो अगर मैं ऑफिशियली बात करूं, जिसमें मतलब कोई चवल पन्ना हो, 1000 यूरो होते हैं सीधे सीधे रेस्टोरेंट के। लेकिन वो किन के लिए होते हैं, वो जो यहाँ पे होते हैं ऑलरेडी साइप्रस में होते हैं, वो 1000 यूरो किसी रेस्टोरेंट को दे के अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान में हो तो 2500 से 3000 यूरो किस सूरत में लगेंगे, क्योंकि साइप्रस में कोई भी काम जो है ना विदाउट एजेंट बिल्कुल भी नहीं आप लोग कर सकते। जॉब लेनी है, मोस्टली जॉब्स में भी यहाँ पे ऐसा है, जॉब्स का भी ये सीन है कि अगर आप लोगों ने जॉब लेनी है तो आप लोग उनको पे करो, वो आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है जॉब का, वो आपको जॉब ढूंढ के दे देते हैं। घर लेना है विदाउट एजेंट बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए लेना। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, उसके लिए आपको एजेंट के पास जाना है। टर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए आपको एजेंट की ज़रूरत है। हर चीज़ में एजेंट जो है ना वो लाजमी है इनका साइप्रस में। तो यहाँ का यही सीन है कि ये 1000 यूरो वैसे ऑफिशियली है, लेकिन आगे एजेंटों पे डिपेंड करता है, कोई 1500 लेता है, 1500 वैसे कोई भी नहीं लेता, क्योंकि जो तुर्के भी होते हैं ना 500 से 1000 यूरो वो भी अपना लेते हैं। कॉस्ट पड़ गई 2000 यूरो। आगे फिर जिसने सेल करना है, ऑफ कोर्स उसने फ्री में तो नहीं आपको देना, उसने भी अपने 400-500 यूरो रखने हैं अंदर, बात चली जाती है 2500 पे। अब एक जो ऑलरेडी बंदा है को वीज़ा 2500 का मिल रहा है, ऑफ कोर्स वो आपको 2500 का तो नहीं देगा, आपको 3000 का देगा या 3200 का देगा या 2800 का देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ओरिजिनली वीज़ा की कॉस्ट होती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं स्टडी वीज़ा पे, एक साल काम करें, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि आपको कोई कंपनी ऑन कर रही है, 1000 यूरो फिर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली कंपनीज 1000 यूरो जो है ना लाजमी लेती हैं। तो उस बिना पे आपको वीज़ा सस्ता पड़ सकता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान बैठ के आपको 1000-1500 यूरो में वीज़ा कोई भी नहीं देगा। ये सारी ओपनली बात है।